छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने राहुल गांधी के बयान पर कहा कि सिखों के गुरुओं ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुतियां दी थी। कांग्रेस ने जिस प्रकार इंदिरा जी की मौत के बाद पूरी दिल्ली और पूरे हिंदुस्तान को जलाया, सिखों को प्रताड़ित किया, उसके लिए समाज कांग्रेस को कभी माफ नहीं करने वाला है। हर समाज को साथ लेकर चलना चाहिए। राहुल गांधी को अभी समझने में कई वर्ष लगेंगे। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के सीनियर रेजिडेंट पीजी सहायक प्राध्यापकों, सह प्राध्यापकों और प्राध्यापकों के वेतन की वृद्धि की घोषणा करने पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में वेतन असमानता के कारण राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों प्राध्यापकों में असंतुष्टि का भाव था। इस समस्या के समाधान हेतु समिति गठित कर सचिव द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल द्वारा विभागीय आदेश जारी कर ये सुनिश्चित किया गया है कि अब राजनांदगांव के मेडिकल शिक्षकों को भी समान वेतन दिया जाएगा। जो सांसद में जाते थे उनसे भी मुलाकात और उनका लगातार सिखों के लिए भी एक विवादित जाना है, उसे घोर आपत्तिजनक बयान उनका रहा है। और सिखों ने धर्म की रक्षा के लिए, उनके गुरुओं ने प्राणों की आहुति दी हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। वो धर्म को हर हिंदू और हर व्यक्ति नमन करता है जिनके गुरुओं ने उपदेश दिया धर्म के लिए, सत्य के लिए लड़ने का, और वो सर्वोच्च स्थान उनको प्राप्त है। कांग्रेस ने जिस प्रकार इंदिरा जी के मौत के बाद जिस प्रकार नंगा नाच किया, पूरे दिल्ली और पूरे हिंदुस्तान को जलाया, छांट छांट कर सिखों को किस प्रकार प्रताड़ित किया गया, टायर लगा लगा के जिंदा जला दिया गया, तो कांग्रेस उसके लिए कभी समाज उसको कभी माफ नहीं करने वाला है, ना देश माफ करने वाला है। आपको हर समाज को साथ लेके चलना चाहिए और हमारा धर्म यही कहता है। राहुल गांधी को समझने में भी कई वर्ष लगेगा। पूरे छत्तीसगढ़ में अलग अलग मेडिकल कॉलेज में, छत्तीसगढ़ में ही स्थिति ऐसी थी कि वो अलग अलग ग्रेड के प्रोफेसर हो, लेक्चरर हो, डेमोंस्ट्रेटर हो, जो अलग अलग पद हैं प्रोफेसर और उसके बाद के, सब में अलग अलग मेडिकल कॉलेज में अलग अलग पे मिलता रहा। और राजनांदगांव में इसलिए बहुत सारे लोग छोड़ के जा रहे थे कि उन्हें बाकी मेडिकल कॉलेज की तुलना में कम पे मिलता है। इसके लिए कमेटी बनाई और सचिव महोदय को निर्देशित किया था और उन्होंने अपने रिपोर्ट पेश की और स्वास्थ्य मंत्री ने उसका क्रियान्वयन करा दिया है। अब वो समानता रहेगी और राजनांदगांव में जो हम बहुत पीछे थे, वो 25,000-30,000 जो भी अमाउंट है, वो सारा अमाउंट अब उसके स्वीकृति के बाद मिलना शुरू होगा और राजनांदगांव को भी समकक्ष वेतनमान और बाकी अन्य मेडिकल कॉलेज में भी सुविधा होगी। तो ये अच्छा किया है और ये युक्तिकरण करना ही था। ये विसंगति राजनांदगांव की बैठक में मैंने देखा था।